ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है, डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे लिए एक कार लेके आएंगे। एंड हम लोग उस दिन रात को सोए ही नहीं क्योंकि डैड की नाइट शिफ्ट थी और वो सुबह आने वाले थे, और मॉम पीछे पड़ी हुई, अरे क्यों ज़रूरत, क्या ज़रूरत है इतने महंगे गिफ्ट की, क्या पर डैड लेके आए। एंड वो एक इलेक्ट्रॉनिक कार थी जो साउंड से चलती थी, आज भी वो हमारे मेमोरी में ऐसा छपा हुआ है, मतलब वी स्टिल रिमेम्बर मी एंड माई ब्रदर आर फर्स्ट कार। एंड एग्जैक्टली वही सेम थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैंने अभी सोचा कि रियांश के लिए कुछ गिफ्ट लेना है एंड उसका सेकेंड बर्थडे आने वाला है 1 अगस्त को। एंड मैं कॉन्स्टेंटली वही सोच रहा हूँ क्या लूँ क्या लूँ, और ये सब चल रहा है, लोग क्या बोलेंगे, मॉम डैड बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, सब टोकेंगे, अरे क्यों क्यों क्यों। बट देन नहीं, फाइनली वी डिसाइडेड, मी एंड हर्षल, मैंने उससे भी बात की एंड वी डिसाइडेड यार लेट्स डू इट यार, इतना क्यों सोचना है यार, यू नो जर्नी ने यही सिखाया कि मतलब सोच के करना है ना तो फिर नहीं होगा, लेट्स डू इट, एंड कर दिया। फाइनली एक दिन मॉर्निंग मम्मी डैडी का फ़ोन आता है एंड आई वॉज वेरी वेरी टेंस्ड कि मतलब क्या रिएक्शन होगा, बट टू माई सरप्राइज मॉम डैड का रिएक्शन वॉज लाइक दे वर एक्साइटेड, जंपिंग इन जॉय कि मतलब अरे गिफ्ट आया है, बहुत बड़ा गिफ्ट आया है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, रोहित पागल हो गया है, सबको फ़ोन कर रहा है, तुमने भेजा है क्या। डैड मेरे शर्लॉक होम्स, वो मेरे को पूछते हैं तुमने ही भेजा है, तुमने मुझसे एड्रेस लिया था बहुत महीने पहले, है ना, तो मेरे को लगा तुम आने वाले हो, तुमने गिफ्ट भेजा है, ओ आई नो लाइक भाई 10 साल में मैं पहली बार कुछ ऑस्ट्रेलिया भेज रहा था, इसलिए रोहित को थोड़ा डाउट हुआ कि विकी भेज सकता है कि नहीं, उसने कन्फर्म भी किया बट मैं पकड़ा गया एक्चुअली एक मैसेज से, तो उसका रिएक्शन था बेडू मुझे पता है। फाइनली जब वो बड़ा सा गिफ्ट खुला तो उसमें से लाइसेंस मर्सिडीज किड्स इलेक्ट्रॉनिक कार बाहर आई एंड दैट वाज माय ड्रीम टू यू नो रियान शुड रिएक्ट ऑन दैट कार, ही शुड सी कि हाउ मच वी लव हिम। टू माय सरप्राइज मॉम डैड रोहित ने किसी ने भी एक भी बार नहीं पूछा कि मतलब इतने पैसे क्यों कहाँ से आए, यू नो आई सॉ दी फीलिंग ऑफ अबंडेंस इन देयर लाइफ, वो एक चेंज उनके माइंडसेट में, क्योंकि वो चेंज मैंने मेरे माइंडसेट में लेके आया है कि मतलब स्टॉप थिंकिंग। एंड उसके बाद जब रोहित से मेरी बात हो रही थी देन ही वॉज इमोशनल एंड ही एग्जैक्टली शेयर द सेम थिंग कि मैंने पापा से कहा था कि ये विकी की होगी, विकी ने भेजा होगा, क्योंकि वी स्टिल रिमेंबर जब आप हमारे लिए वो कार लेके आए थे, उसके दिमाग में भी वही था एग्जैक्टली। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मैंने एक चीज़ कहा यार, यू नो आई एम हैप्पी टू सी रियांश हैप्पी, बट वो 2 साल का है, बच्चा है, उसकी मेमोरी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो उसको याददाश्त में रहे, 2 साल की बच्ची की नहीं होती है, 6 साल के बाद होती है। एंड रोहित ने एक चीज़ बोली जो मेरे दिमाग में अभी भी रह गई है कि यू नो तू चिंता मत कर, तू तातू है, तातू मतलब मैं ताऊ भी हूँ और मैं उसका चाचू भी हूँ, तो तातू, तो ही सेड कि डोंट वरी आई मेक श्योर दैट ही रिमेंबर्स, मैं फ़ोटोज़ वीडियो सब निकाल के उसको रोज़ दिखाता रहूँगा और उसको 2 साल से लेकर 6 साल तक वो होता है ना वहाँ तक उसको दिखाऊँगा, उसको बोलूँगा देख 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 सी दिस फोटो सी दिस पिक्चर वीडियो एंड सी हाउ मच तातू लव्स यू एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस जर्नी द चेंज इन मी इन माई लाइफ इन माई फैमिलीज़ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन।